हजारीबाग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 23वें प्रांतीय अधिवेशन को लेकर मीडिया से बातचीत की गई। समिति के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा ने कहा कि 7 वर्षों बाद हजारीबाग में अधिवेशन होना बहुत ही गर्व की बात है। अधिवेशन में मिनी झारखंड का स्वरूप देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से करीब 2000 छात्र छात्राएं और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। विद्यार्थी का 23वां प्रांतीय अधिवेशन पूरे झारखंड प्रांत के सभी छात्रों के लिए माइलस्टोन साबित होगा और शहर के तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो 4 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन चलेगा उसमें 24 तारीख को हम लोग प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो साल भर हम लोग काम करते हैं, गतिविधि समाज के बीच चलाते हैं, उसका डिस्प्ले होगा और वो संध्याकालीन में उसका उद्घाटन होगा। 25 तारीख को हमारा मुख्य सभागार और अधिवेशन स्थल का उद्घाटन होगा। 26 तारीख को जो भी प्रस्ताव आएंगे उन पर विशेष चर्चा होगा और 27 तारीख को जो नई पुरानी कार्य समिति है परिषद की उसकी घोषणा होगी। और साथ ही हम यहाँ के लोग से आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी शोभा यात्रा जो निकलेगा पूरे प्रदेश के अलग अलग विभिन्न जिलों से, कुछ जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गढ़वा, पलामू, हर जगह के लोग, छात्र छात्रा और शिक्षक पहुँचने वाले हैं और आपके शहर में हजारीबाग के शहर हजारीबाग में लोग आएंगे और एक अच्छा मैसेज, अच्छा फीडबैक यहाँ से लेके जाएँ, वो लोग को वाकई में उन लोग को लगे कि हजारीबाग एक आदर्श शहर है और शहर के लोग उनके स्वागत में रहे। मेरा यही ज़्यादा ज़्यादा आह्वान होगा कि शहर के लोग उनके स्वागत में रहे। मैं हजारीबाग के आम जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस आयोजन में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हजारीबाग का एक नाम इससे जुड़ा हुआ है। इस AVBP का एक संगठन, छात्र संगठन का बहुत बड़ा हम लोग के साथ एक साथ होना चाहिए और हजारीबाग के हर युवा, हर व्यवसायी, हर वर्ग के लोग इसमें जुड़ के हिस्सा लें और इसका स्वागत करें और अपना जितना